नमस्कार, इट इज गुजरात न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ध्रुवी। राजस्थान का इतिहास वीरता, शौर्य और पराक्रम का इतिहास रहा है। वीर चरित्र का प्रेरणा देने वाली शक्ति की आराधना राजस्थानी संस्कृति का हिस्सा रही है। यह शक्ति पूजा की परंपरा प्राचीन समय से ही देश ने मिलती आई है। तभी बात करें राजस्थान के करौली जिले की, तो दक्षिण दिशा की ओर 24 किलोमीटर की दूरी पर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य त्रिकुट पर्वत पर विराजमान कैला मैया के दरबार में चैत्र मास में लघु कुंभ नजर आता है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के चंबल नदी के बिहाड़ों के नजदीक फैला गांव ये स्थित माँ के दरबार में 12 महीना श्रद्धालु दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन कोरोना के चलते दर्शनार्थी की भीड़ कम हुई है और कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था करवाई गई है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक इस मंदिर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। मंदिर के बारे में कई मान्यताएं हैं। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान में जो केला ग्राम है वह करौली के यदुवंशी राजाओं के आतिप्रत्य में आने से पहले गागरौन की खींची राजपूतों के शासन में था। खींची राजा मुकंदन दास ने सन 1116 में मंदिर की सेवा सुरक्षा का दायित्व राजकोष पर लेकर नियमित भोग प्रसाद और ज्योत की व्यवस्था करवा दी थी। राजा रघुदास ने लाल पत्थर से माता का मंदिर बनवाया। स्थानीय करौली रियासत और उसके बाद नियमित रूप से मंदिर प्रबंध का कार्य किया जाता रहा था, जहां मां कैला देवी की मुख्य प्रतिमा के साथ मां चामुंडा की प्रतिमा भी विराजमान है। चैत्र मास में लगभग एक पखाड़े के तक चलने वाले इस लखी मेले में राजस्थान के सभी जिलों का अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात व दक्षिण भारतीय प्रदेशों तक के दर्शनार्थी आकर मां के दरबार में मन्योता की मांग करते हैं। रोजाना लाखों की संख्या में दूरदराज के पदयात्री लंबे लंबे ध्वज लेकर लांगुरिया गीत गाते हुए आते हैं। मंदिर के समीप स्थित कालेसिल नदी में स्नान का भी विशेष महत्व है। मेले में करौली जिला प्रशासन द्वारा मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से आमजन द्वारा भी सभी स्थानों पर यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। अनुमानित प्रतिवर्ष लगभग 30 से 40 लाख यात्री मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ कम हुई है और कोरोना के चलते सैनिटाइजर एवं मास्क के साथ कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं यहां पर प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूं कैला मैया के दरबार में, और इस समय कोरोना काल चल रहा है। इस वजह से कोरोना के बचाव के लिए बहुत सारी सावधानियां मंदिर में बरतनी पड़ रही है। जैसे ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर सैनिटाइजर लगाया हुआ है, सैनिटाइज करना पड़ता है। उसके बाद उनका टेम्परेचर देखते हैं और फिर देखते हैं कि किसी पे मास्क तो नहीं है। अगर मास्क नहीं होता है तो फिर उसको मास्क प्रोवाइड किया जाता है, तथा गोले बनाए हुए हैं 6 फुट की दूरी पर, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग रखें। कोरोना में तो पहले से 1/10 से भी कम आ रहे हैं। पहले जहाँ 1000 आते थे, अब यहाँ 100 दर्शनार्थी भी नहीं आ रहे हैं। लोग निकल नहीं रहे हैं घरों से, बहुत कम आ रहे हैं। नहीं तो इस समय नवरात्रों में तो बहुत भीड़ होती थी, रोज़ाना 1-2 लाख दर्शनार्थी आ जाते थे, लेकिन अब तो 200-300-400 तक आते हैं मैक्सिमम। कोरोना तो यही है, एक तो सैनिटाइजेशन का किया है, सारी रेलिंग में सैनिटाइजेशन करते हैं, मंदिर में सैनिटाइजेशन स्प्रे करते हैं, और जो भी दर्शनार्थी आते हैं उसको मेन गेट पे सैनिटाइजर रखा हुआ है, जिससे वो हाथ धो के सैनिटाइज हो के आएँ। टेम्परेचर देखा जाता है, मास्क देखा जाता है, और डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। करीब 1000 साल पुराना मंदिर है कैला माता का, और नॉर्थ राजस्थान का जो है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर यूपी और मध्य प्रदेश से जो है मानने वाले बहुत आते हैं, और कैला मैया की बड़ी मान्यता है। ये बड़ा अच्छा सिद्ध पीठ है, सच्चा सिद्ध पीठ है, यहाँ पे आके मनोती पूरी होती है। हाँ, पूरे देश से आते हैं, अब तो पूरे देश से आते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस यहाँ पे जो है कोई भी मीडिया पे प्रचार नहीं है कैला माता का, कोई फ़ोटो या इस तरह का नहीं है जैसे और मंदिरों का है। उसके बावजूद भी देश के कोने कोने से इसके भक्त आते हैं, और जो एक बार आता है हमने ये देखा है कि उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है, और जो एक बार आ गया वो कैला मैया के साथ जुड़ जाता है,
फिर और भी आते हैं। इस तरह से पूरे देश में माता के भक्त फैल गए हैं। नौ दिन में तो यही है, यहाँ पर पूजा पाठ रहते हैं, अनुष्ठान चलते हैं, जप और तप चलता है ब्राह्मणों द्वारा। ये सारी व्यवस्था पूरे नौ दिन होती है, फिर उसके बाद हवन होता है, शक्ति का जागरण होता है और यही सब कार्यक्रम चलता रहता है। समय तो सुबह 4 बजे से 12 बजे तक है और फिर 1 बजे से रात को 9 बजे तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएस गुजरात न्यूज़, राजस्थान।